न्यूज नेटवर्क इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ एनएन न्यूज क्राइम। चतरा जिले के टनवा थाना क्षेत्र के सराड़ू बरकुटे गांव में बोरिंग करने वाली गाड़ी में 440 वोल्ट का करंट प्रवाहित हो जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के समय गाड़ी पर सवार अन्य मजदूर और गाड़ी का चालक वाहन पर सवार नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता था और कई लोगों की जान जा सकती थी। मृतक मजदूर का नाम नवल अधोरिया है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है कि उक्त गांव में सरकारी चापानल लगाया जा रहा था। बोरिंग के पश्चात गाड़ी वापस आ रही थी, इसी दौरान एक स्थान पर 440 वोल्ट तार झूल रहा था। और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और सराडू रोड में बरकुट्टे में काम कर रहे थे, सरकारी बोरिंग टनवा से, और रुआ फूल उसका गांव है। मेरा नाम सुभांजा लगता हूँ। हम लोग साथ में काम करते हैं बोरिंग लगने में, और काम कर फिर काम करके हम लोग बोरिंग करके जा रहे थे तार सब गाड़ी में। पहले मेरा नाम तो मीतक का नाम है नवल अघरिया, और रिया फूल का रहने वाला है धर्मदेव का। हम लोग साथ में काम करते थे बोरिंग गाड़ी में, काम किए उसके बाद में गांव वाला बोला कि इसमें करेंट नहीं है, फिर लगाए गाड़ी, फिर करते करते काम हम लोग काम करके जैसे निकल रहे थे कि गाड़ी निकाल रहे थे, उसमें तार शॉर्ट किया। और मेरा नाम राजकुमार चक्रवर्ती है, टंडवा में काम कर रहे थे और काम कर रहे थे। चतरा जिले की आपराधिक घटनाओं से संबंधित खबरों के लिए देखते रहिए एनएन न्यूज क्राइम। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।